नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सायमा। सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद माफिया मुख्तार अंसारी के बेहद ही करीबी का एक चौंकाने वाला बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि 2019 के बाद एक दिन भी सरकार ने चैन की रोटी खाने नहीं दी। मेरी जगह कोई दूसरा होता तो हताश होकर प्राण त्याग देता। आखिर क्या कुछ है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद अफजाल अंसारी का पहला बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 2019 के बाद एक दिन भी सरकार ने चैन की रोटी खाने नहीं दी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जनता का अभूतपूर्ण समर्थन और ऊपर वाले की कृपा है कि मैं जीवित हूँ। मेरी जगह कोई दूसरा होता तो निराश होकर अब तक प्राण त्याग देता। अफजाल अंसारी ने कहा कि मैं दूसरी मिट्टी का बना हूँ, अत्याचार और जुल्म के बल पर मुझे हराया नहीं जा सकता और मैं चुनाव लड़ने के योग्य हो चुका हूँ और चुनाव लड़ने की इच्छा भी है। वहीं अफजाल अंसारी ने बताया कि मैं 10 चुनाव लड़ चुका हूँ, 2004 में समाजवादी पार्टी से और 2019 में सपा बसपा गठबंधन से चुनाव लड़ चुका हूँ। उन्होंने आगे कहा कि अगर आमने सामने मनोज सिन्हा से लड़ाई हुई तो वो मतगणना कराने तक नहीं आएंगे। अंसारी ने कहा कि 2019 के बाद चुनाव के बाद जो घटनाक्रम है जनता सब देख रही है। अफजाल ने कहा कि मेरा हौसला तोड़ने के लिए मुझे हर तरह से बर्बाद किया गया और मेरी खड़ी फसलों को बर्बाद किया गया। साथ ही परिवार के सदस्यों को झूठे मुकदमे में फंसाया गया। हमारे विरुद्ध एक ऐसा मुकदमा लगाया गया जिसमें मूल मुकदमे में मुझे बरी कर दिया गया था और गैंगस्टर मामले में सजा दी गई। अफजाल ने आगे कहा कि मेरे 4 साल की सजा का फैसला एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा था जो कि अंतिम सत्य नहीं था। सजा हुई, मैं जेल गया और लोकसभा की सदस्यता से आयोग घोषित कर दिया गया और चुनाव लड़ने के लिए भी आयोग घोषित कर दिया गया। आगे अफजाल अंसारी ने कहा कि जब हम अपील करने गए तो उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों की बात सुनकर मुझे जमानत दे दी। दरअसल अफजल अंसारी ने यह भी बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में स्पष्ट लिखा है कि अब मैं चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं हूं, लेकिन 11 जनवरी को लोकसभा के स्पीकर ने अधिसूचना जारी करके अब मेरे संसद सदस्यता सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के मुताबिक शर्तों के साथ बहाल कर दी है, जिसके बाद अब मैं चुनाव लड़ सकता हूँ। बस शर्तों के अनुसार मैं सदन की डिबेट में शामिल होकर मतदान नहीं कर सकता। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।